कि योगी बाबा को बदलना है और योगी बाबा जो 22 में बदलते हैं, 24 के चुनाव में मोदी जी की भी विदाई है। अच्छा, योगी कह रहे हैं हम पोस्टर लगा है योग जिंदाबाद। योगी जी का जिंदाबाद, कोई मुश्किल नहीं, योगी जी का अमन लोग फैन है। क्या मूड है? मूड यही अखिलेश यादव को जिताया जाएगा। मौजूदा समय में बीजेपी के विधायक है जो कहते हैं कि हम खड्डा को लंदन बनाएंगे, तो खड्डा कितना लंदन बना। गोरखपुर एक्सप्रेस न्यूज देखने वाले सभी दर्शकों को गाँव वाले रिपोर्टर का नमस्कार है। दीपावली के एक दिन पहले सरकार का फरमान आता है कि पेट्रोल 5 रुपया और डीजल 10 रुपया सस्ता हो गया, लेकिन विपक्ष का कहना है सरकार को झटका लगा है तब यह बोनस दे रही है, क्योंकि अभी हाल में हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान में हुए उपचुनाव में बीजेपी का खराब प्रदर्शन और कांग्रेस ने सीधा क्लीन स्वीप मार दिया। तो ये विपक्ष का कहना है कहीं ना कहीं यही कारण है कि सरकार पेट्रोल का रेट सस्ता की है। चलिए हम एक पेट्रोल पंप पे हैं और जान लेते हैं यहाँ के लोगों से कि जो लोग पेट्रोल भरवा रहे हैं इनको 5 रुपये का जो रियायत अब मिल रहा है अब कैसा लग रहा है? कितना पेट्रोल डलवाए हैं? 60 रुपये का। तब तो कुछ सस्ता हुआ है ना? सस्ता हुआ। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा, मगर आने वाले समय में हाँ, थोड़ा राहत मिला है, यही अच्छी बात है। हो सकता है आगे चलकर और अच्छा सुविधा। हाँ, सुविधा। तो अच्छे दिन आ गए क्या? अच्छे दिन आने वाले हैं, आ गए हैं। अच्छा ये बताइए, अभी 2022 में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, ठीक है? तमाम नेता लोग मैं देख रहा हूँ खंभे पे, लाइट के खंभों पे पोस्टर वोस्टर लगाए हैं, बाकायदा दीपावली और दशहरा की शुभकामनाएं दे रहे हैं। क्या लग रहा है इस बार आपके विधानसभा में, खड्डा विधानसभा में कौन आ रहा है, कौन नेता बनेगा, कौन से पार्टी को विधायक बनाएगा? हमको तो यही लग रहा है भाजपा ही रहेगी। भाजपा, ठीक है, ठीक। अच्छा, मौजूदा विधायक का काम कैसा है, जो इस वक्त के मौजूदा विधायक है उनका काम कैसा है? अच्छा, बहुत अच्छा है। तो काम बताइए मुझे जो अच्छा लग रहा है आपको। बहुत अच्छा, जो पीपा पुल बनवाए। पीपा पुल बनवाए? हाँ। अच्छा, वो भी उन्हीं का देन है। अच्छा, और सड़क उड़क है वो बनवाए हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता वगैरह भी हैं क्या आप? है? बीजेपी के कार्यकर्ता वगैरह भी हैं क्या? हाँ, हाँ। तभी तो नेताओं वाली भाषा बोल रहे हैं। चलिए आगे चलिए, आप बड़े मुस्कुरा रहे हैं, पेट्रोल सस्ता हो गया इसलिए मुस्कुरा रहे हैं या कोई और रीजन है? देखिए, मुस्कुराने के सिवा दूसरा है क्या, क्या किया जाएगा? अभी ये तो मान लीजिए 5 रुपया घटा है और 10 रुपया, तो ये तो ऊंट के मुंह में जीरा के समान है, और क्या है? अच्छा ये बताइए, अभी लगातार जो है 48 रुपया कम होना चाहिए, कम से कम 48 रुपया। 48 रुपया आप ये बताइए चाचा जी। हाँ, डीजल से तो पेट्रोल से न भी हटाए तो डीजल से तो बिल्कुल हटा देना चाहिए, क्योंकि डीजल किसानों के यूज में, किसानों के यूज में है, गरीब से लेकर के अमीर तक के लिए। 10 रुपया से आगे आ जाइए, 5 रुपया में आगे आ जाइए। एक महीना लूट लिए, कौन गवर्नमेंट लूट रही है जनता को? एक महीने लूट लिए और 72 रुपया पेट्रोल था, 72 से 82 रुपया हुआ था, 82 से 105, 7 रुपया हो गया, उसके बाद से 5 रुपया घटा दिया, तो क्या जनता के हित में काम किए? तो इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? फैसले तो जनता को लूट जा रहा है और का तबाही मचा रहा है, गैस है, पेट्रोल है, सारा चीज़ दाम एक महीना बढ़ा दीजिए और वहाँ से 5 रुपया सस्ता कर दिए, उसका मतलब क्या हुआ? 35 पैसा पड़ गया क्या? कल 5 रुपया घटा, आज 35 पैसा बढ़ गया, इसी तरह से फिर बढ़ा लेंगे वो। तो क्या लग रहा है, ये कोई गवर्नमेंट का फंडा है क्या, खुश करने का है क्या है, कैसे देखते हैं आप? जनता को चूतिया बनाने का, मूर्ख जनता को मूर्ख बनाने का एक फंडा है, दूसरा बढ़ा के घटा दे रहे हैं। हाँ हाँ, अच्छा चुनाव है इसलिए कम किया गया क्या? हाँ, इसीलिए कम किया गया, चुनाव है। अच्छा, आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, यहीं के रहने वाले हैं। अभी तो चुनाव आने भी वाला है ना, इस साल में होने वाला है ना, 2022 में। अब ऊपर वाला जिसका बना है, आप किसको पसंद करते हैं, ताकि मौजूदा 5 साल का कार्यकाल है आपके यहाँ जो मौजूदा विधायक है कैसा काम किए हैं? विधायक की बात नहीं है, हम लोग की सुविधा की बात, जनता की सुविधा की बात। तो वही बताइए, आपके विधानसभा में सुविधा मिला है कि नहीं? हम गाड़ी चला रहे हैं, हमारी गाड़ी का पेट्रोल 72 से 82 हुआ, 82 से 105 रुपये, कौन सुविधा मिल रहा है? कम हो गया आज न, कम हुआ है, 82 से 105 हो गया, 5 रुपया कम कर दिया, 20 रुपया बढ़ा के 5 रुपया कम कर दिया गया। उसका मतलब क्या? अच्छा अच्छा, आप किसान हैं, क्या करते हैं? किसान हम लोग हैं। तो ये बताइए किसानों की हालत क्या है, ये बता दीजिए। बहुत दुर्दशा है, किसान तो उतने दुर्दशा में है कि अब क्या आपसे कहा जाए। अब देख रहे हैं कि कांग्रेस का हर प्रदेश में धरना प्रदर्शन हुआ है, तो गन्ना का और इसका जो बोलता है धान का मुआवजा लिखा गया, उसके बाद सब पेट्रोल और डीजल का धाम कर रहा है। कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन किया है तब? हाँ, तब का, तो मुझे पता नहीं था। तो ये बताइए, ये धरना प्रदर्शन पहले करना चाहिए कांग्रेस को? पहले भी कर रही है तो सरकार सुन नहीं रही है। मान लीजिए जब दोनों जगह सरकार भाजपा का है तो सुनेगा कौन, जनता की बातें नहीं सुन रही है, जो अपना मन में है वो कर रही है। इस सरकार को आप कैसे देखते हैं, जो 5 साल का कार्यकाल है आप कैसे देखते हैं? अब जनता सामने दिखलाएगी सर। अरे तो वही सामने आएगी, चुनाव आएगा,
कुछ नहीं, जब सामने चुनाव आएगा तो जनता बताएंगे नहीं, सपोर्ट करेगी, बताएंगे नहीं क्या इसमें बताना है, जनता खुद बताएगी सर। चलिए अब आपसे बात कर लेते हैं, किसानों की हालत क्या है, ताकि किसान तो कहा जाता है कि हमेशा भगवान के भरोसे रहता है, और खेती की हालत क्या है, ताकि पानी हो, हाँ पानी वगैरह अभी जो आया है, गन्ने सूख गए हैं, क्या मुआवजा वगैरह मिला है कि नहीं? नहीं अभी तो नहीं मिला है। अच्छा अभी नहीं मिला है। तो जो फसल आप लोग बोते हैं क्या उसका सही रेट मिल जा रहा है कि नहीं? अभी अब कहाँ मिल रहा है, नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा है। अच्छा तो ये बताइए, अभी विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं यूपी में, 2022 में विधानसभा के चुनाव होंगे, इसको आप कैसे देखते हैं, क्या लग रहा है इस बार बदलाव होगा कि वापस योगी जी आएंगे? बदलाव होगा सर। कौन बेहतर रहेगा? बदलाव होगा, अखिलेश यादव बेहतर रहेंगे, अखिलेश यादव और अखिलेश यादव की तरफ जनता का झुकाव है। अच्छा। निश्चित रूप से बदलाव होगा। अच्छा। तो योगी जी तो कह रहे हैं कि हमारा सोच ईमानदार, काम दमदार, हमने बहुत काम किया तो, यही तो है, ये लोग अपने परीक्षा दे रहे हैं, अपने ही कापी जांच कर रहे हैं और अपने ही जो है फर्स्ट डिवीजन पास हो रहे हैं। अच्छा। इसका फैसला जो है जनता को करना है ना, ये स्वयं अपना फैसला ले रहेगी, अपने ही जो है रिजल्ट घोषित खुद है। हाँ बस अपने ही रिजल्ट घोषित कर, अपने ही जो है परीक्षा दे रहे हैं, अपने ही कॉपी जांच कर रहे हैं और अपने ही जो फर्स्ट डिवीजन पास हो रहे हैं। सब कुछ उनके हाथ में, सब उनके हाथ में। क्या नाम होगा आपका? मोती प्रसाद यादव नाम। मोती प्रसाद यादव जी हैं, इनका कहना है वापस अखिलेश आ सकते हैं, गारंटी है कि कुछ कंफ्यूजन है? नहीं मैंने 100% गारंटी है। कैसे बताइए, कैसे गारंटी है? महंगाई की वजह से लोग योगी तो कह रहे हैं हमारे लोग दीवाने हो गए, हमने इतना काम किया, दीवाने हो गए हैं, क्या दीवाना हो गए। हाँ भाई साहब इधर आइए, इधर आइए। हाँ क्या बोल रहे हैं आप? महंगाई की वजह से महंगाई इतना चरण पर हो गया है। सरकार किसकी बनेगी इस बार? कांग्रेस को बनाना है। भाई साहब कह रहे हैं कि हम अखिलेश की सरकार बनाएंगे, दिल्ली सरकार कांग्रेस को बनाएंगे, दिल्ली सरकार में कांग्रेस को लाएंगे। प्रधानमंत्री किसको बनाएंगे? प्रधानमंत्री कांग्रेस के बनेंगे, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो अभी समय है, अभी मुख्यमंत्री किसको बताएंगे? अखिलेश को। पक्की बात? एकदम पक्की बात है। क्या काम किया है अखिलेश ने पूर्व कालकाल में, बताइए? काम किया है। योगी जी तो कहते हैं अखिलेश के सरकार में भ्रष्टाचार बढ़ जाता है, अब सबके देखने में लाइन ठीक बात। सीधे सरकार को चाहिए कि जो टैक्स सरकार ले रही है डीजल और पेट्रोल से, तो डीजल पेट्रोल से, तो पेट्रोल से अगर नहीं भी हटता है, डीजल से हर हालत में हटा लेना चाहिए, इसलिए। अच्छा। कि वो आम जनता के लिए है। सरकार तो करे कि हम टैक्स नहीं लेंगे तो देश कैसे चलाएंगे? ठीक है, बहुत है, बहुत टैक्स लेने के लिए है। अच्छा। अभी केवल यही डीजल ही तो आप इसी विधानसभा कराने वाले जी हैं? सर इसी विधानसभा कराने तो वाले इस हैं। पर क्या मूड है? मूड यही है अखिलेश यादव को जिताया जाएगा, अखिलेश यादव को तय दिल से अखिलेश यादव को जिताया जाएगा, ये हम नहीं क्षेत्र की जनता बोल रही है। अच्छा, चलिए और कुछ लोगों से हम बात कर लेते हैं। एक लीटर पेट्रोल डालने में हिम्मत कहाँ जा रहा है? हाँ। आदमी किसी से गाड़ी से अपना जरूरी काम निभा रहा है। जी। सरकार ने तुम्हारा, मोदी जी ने कहा था हवाई चप्पल वाले को मैं एरोप्लेन से जी हवाई जहाज में बैठाऊंगा। हाँ। आज तो जिन लोगों ने मोटरसाइकिल खरीदा उनकी हिम्मत कहाँ जा रही है, और सरकार में बैठे हुए लोग रोज कहते हैं मैं किसान का दूना करूंगा, कैसे करेंगे समझ में नहीं आ रहा है। सारा खेतों में देखिए गन्ना सूख गया, धान की फसल बर्बाद हो गई, केला खत्म हो गया, पेट्रोल 108 रुपये से आज 101 रुपये की है, ये कम करके बाबा फरमान आया है कि 5 रुपये कम कर दिया गया है पेट्रोल में और डीजल में 10 रुपये कम कर दिया गया है। तो योगी जी और मोदी जी कहना ये हमने जनता को बोनस दिया, इस पर क्या सोचते हैं? नहीं बोनस तो नहीं दिया उन्होंने, जितना हमारा लिया 78-80 रुपये का पेट्रोल था और 108 तक पहुँचा के अगर 3 रुपये कम कर दिए तो बोनस तो दिए नहीं। कैसे देखते हैं इस फैसले पर? क्या नहीं, इस फैसले का कहीं कोई मतलब नहीं है, जो ही चुनाव आएगा इसका जवाब जनता उनको देगी। क्या ये चुनाव रणनीति बनाने के लिए किया? चुनाव नहीं तो और क्या है, चुनाव के पहले बढ़ा दिया, चुनाव के पहले बाद में 1 रुपया घटा रहे हैं, तो चुनाव का समकर नहीं तो क्या है? अच्छा, लेकिन इसका कहीं से उनको लाभ मिलता दिखाई नहीं दे रहा है। आम जनता एकदम खामोश है, और खामोश जब जनता रहती है तो निर्णय दूसरे ढंग का होता है, परिणाम बदलते हैं। 22 में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, हम इस वक्त मौजूद हैं खड्डा में पेट्रोल पंप के बाद, ये बताइए खड्डा की जनता, खड्डा विधानसभा की जनता इस बार क्या मूड बनाई है? मौजूदा समय में बीजेपी के विधायक हैं जो कहते हैं कि हम खड्डा को लंदन बनाएंगे, तो खड्डा कितना लंदन बना? खड्डा लंदन बना कि नहीं बना, जो खड्डा मेरा था उसको वापस कर दें विधायक जी, यही बहुत है खड्डा के लोगों के लिए। अच्छा लंदन क्या वो बनाएंगे? 5 वर्षों में तो एक तहसील भवन का निर्माण नहीं करा पाए वर्तमान विधायक, और खड्डा को लंदन बना रहे हैं। अरे जहाँ रेजिडेंस उनका उसको तो बरगदवा को बना देते लंदन तो बेहतर होता। खड्डा पर मेहरबानी करें, और 22 में जनता भारतीय जनता पार्टी के विसर्जन की तैयारी में है, कहीं से जोगी बाबा जट्टा बाबा आ नहीं रहे हैं, जनता इनके विपरीत वोट करेगी। आने वाला कल समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव का है,
जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। अखिलेश यादव तो आपके नेताजी है ना? नहीं, हमको कैसे आप जान गए मेरे नेता है? नहीं, अखिलेश यादव जी की गुणगान आप कर रहे हैं तो मुझे लग रहा है हो सकता है उनको पसंद कर रहे होंगे। अखिलेश का गुणगान मैं स्नातक कर रहा हूँ। अखिलेश यादव जब जब सरकार में रहे तो उन्होंने किसान के हित में कुछ किया। वर्तमान जो हुकूमत है किसान के लिए तो कुछ नहीं उन्होंने किया। गन्ने की फसल बर्बाद हो गई इस क्षेत्र में। क्या इस क्षेत्र के किसानों को मुआवजा मिला या नहीं? मुआवजा तो अब तक नहीं मिला। तहसीलों पर भीड़ लग रहा है इंतखाब के लिए। प्रचार हुआ है कि इंतखाब जमा करो, मिलेगा। कम मिलेगा अब इसकी कोई गारंटी नहीं। कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश करेंगे और शासन प्रशासन की मंशा मतलब घुसखोरी खत्म करेंगे। कैसा है आपके क्षेत्र में? देखिए, कहीं से इस सरकार में घुसखोरी समाप्त नहीं हुआ, उसमें बढ़ोतरी हुआ है। अच्छा। और कानून व्यवस्था की बात अगर करते हैं मुख्यमंत्री जी, तो एक हफ्ते में 3 हत्या होती है गोरखपुर में, जहाँ का इनका मूल निवास है। तो कानून की व्यवस्था का पैमाना तो इन्होंने बता दिया। मेरे नजरिया में इस सरकार की 6 उपलब्धियाँ हैं: हत्या, लूट, बलात्कार, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार। इस बार क्या मूड है 2022 आने वाले चुनाव में? आम जनता यूपी की मूड बना ली है कि योगी बाबा को बदलना है, और योगी बाबा जो 22 में बदलते हैं, 24 के चुनाव में मोदी जी की भी विदाई है। अच्छा, योग कह रहे हैं, हम पोस्टर लगा है, योग जिंदाबाद। हाँ, योगी जी का जिंदाबाद, कोई मुश्किल नहीं। एक जी का अमन लोग फैन है। मेरे नजरिया में आम आवाम का जो सोच है, जनता के पैमाने पर यह सरकार खरा नहीं उतर रही है। साल 2 साल से विद्यालय बंद कर दिया इन्होंने। कोरोना के नाम पर पूरे प्रदेश और देश और दुनिया में एक हवा बनी, कोरोना नाम का कोई रोग था। ओके। तो कोरोना में विद्यालय आपने बंद किया, माल बंद किया, सारा कुछ बंद कर दिए, फिर शराब की भट्टियों को क्यों खोल दिया आपने? सबसे पहले टैक्स उससे आता है, टैक्स आएगा तो देश चलेगा। तो फिर राशन की जगह दारू बंटवा देना मोदी जी, जो भी राशन की जगह दारू बंटवाओ घर घर, अगर उसी से जी सकता है आदमी तो फिर दारू ही बंटवा दें, वही एकमात्र कोरोना का इलाज है, तो सारे लोग स्वस्थ हो जाएंगे। तो 22 में मुख्यमंत्री के रूप में किसको देख रहा है? देखिए, 22 में आम आवाम का जो निर्णय है इस सरकार के विपरीत है, और जहां तक मुझे आशा उम्मीद है कि आने वाला कल समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जी का है। योगी जी का कहीं से अता पता चलने वाला नहीं है, क्योंकि अभी लोकसभा का चुनाव उपचुनाव हुआ, उसमें इनकी स्थिति खराब हो गई है। बिहार में 2 सीट पर उपचुनाव विधानसभा का हुआ, दोनों में नीतीश कुमार ने बेईमानी नहीं किया होता तो वहाँ भी इनके खिलाफ जनादेश था। अब ये जबरदस्ती थोप रहे हैं, मैंने ये किया वो किया, जनता में तो कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अभी तो खड्डा में कभी आए होंगे इसके पहले? आपका परिचय हो जाए जरा एक बार। मैं व्यास मिश्रा, जिला सचिव समाजवादी पार्टी। मैं कर बहुत रहा था, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या हाल है दोस्त? बढ़िया भैया। तो पेट्रोल डलवाने आए हैं, क्या लीटर डलवाएंगे? 200 डलवाएंगे, बताएंगे। पेट्रोल सस्ता हो गया इसलिए 200 डलवाएंगे या फिर कम डलवा रहे थे इसके पहले? नहीं, 200 डलवाए, सस्ता हुआ है क्या? हाँ, 10 रुपये का। चलिए, अच्छा हुआ है, सस्ता हुआ है। 5 रुपया 1 लीटर में सस्ता हुआ है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? क्या चीज? 1 लीटर में 5 रुपया पेट्रोल का सस्ता, अच्छा हुआ है, कम हुआ है, कैसे देखते हैं आप इसको? अच्छा हुआ है। आप युवा हैं, 2022 में होने वाला है विधानसभा चुनाव, मुख्यमंत्री के रूप में किसको पसंद कर रहे हैं? योगी जी। योगी जी कैसे? योगी जी क्या बढ़िया काम किया बताइए? अच्छा काम करते हैं। क्या? कोई भी भर्ती होता है अच्छे से भर्ती हो जाएगा फिर। अच्छा, कोई पैसा नहीं, पैसा नहीं लगता है आपका? कोई ऐसा हो जानने वाला जिसका भर्ती हुआ हो, पैसा ना लगा हो? हुआ नहीं, बट होगा ना, आज नहीं तो कल तो होगा ही होगा। अच्छा। और योगी जी के ऊपर ट्रस्ट है, वो कुछ गलत तो होने नहीं देंगे, योगी हैं भाई। अच्छा, आपके यहाँ मौजूदा जो विधायक है उनका कार्यकाल कैसा है? 200 डाल दी। हाँ, आपके यहाँ के जो मौजूदा विधायक है उनका कार्यकाल कैसा? अच्छे हैं। अच्छे हैं। हाँ, बढ़िया काम किया है। हाँ, तो देखिए, चर्चा में रहते हैं। चर्चा में रहते हैं? लोगों के बीच में रहते हैं। क्यों चर्चा में रहते हैं? लोगों के बीच में रहते हैं ना, लोगों के साथ रहते हैं। विधानसभा में समय देते हैं आपको? हाँ। अच्छा, तो हम लोग इस वक्त खड्डा पेट्रोल पंप पे थे, ये विधानसभा खड्डा है, और लोगों से जानने की कोशिश कर रहे थे कि 5 रुपया जो पेट्रोल सस्ता हुआ है और 10 रुपया डीजल सस्ता हुआ है, उस पर क्या सोच रहे हैं लोग, और आने वाले 2022 में विधानसभा का चुनाव भी है तो पब्लिक का मूड क्या है। देश दुनिया पूर्वांचल की तमाम खबरों के लिए गोरखपुर एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ बने रहिए। नमस्कार।